हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड अपना रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली ये क्विक रिवीजन पॉडकास्ट आप लोगों की मदद जरूर कर रहा होगा। सो आप लोग जैसा कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि इसमें ये चेंजेस करने चाहिए, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इंक्लूड कर लूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो कुछ बच्चों ने सेशन को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए बोला है, तो मैं उसके बेसिस पे ही इस वाले सेशन को रिकॉर्ड करूंगी, डायरेक्टली नहीं रीड आउट करूंगी। सो चलिए आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और बहुत जल्दी हमारा क्लास 11 का पॉडकास्ट पूरा होने वाला है, 3-4 चैप्टर्स और रह रहे हैं, वो भी कंप्लीट कर देंगे हम जल्द से जल्द। एंड कोशिश है कि आप लोगों को 18-19 के पहले पहले सारे चैप्टर 11th एंड 12th के प्रोवाइड कर दूँ। एंड चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं अब इसको जल्दी से, एक्सक्रीटरी वेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले है एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो कहाँ से आ रहा है? बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू एक्सेस इंजेशन। सो रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक NH3, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर कॉन्टेंट्स होते हैं जो वेस्ट में, लाइक CO2, H2O, आयन्स। आयन्स कौन से होते हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये भी रिमूव किए जाते हैं। पार्शियली कुछ चीज़ें रिमूव होती हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीटली रिमूव होती हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। सो नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो हमारे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो अब ये किन में पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, इनमें टॉक्सिसिटी कितनी होती है, क्या ये टिपिकल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया के बारे में। सो नेचर एंड एग्जाम्पल इज अमोनोटेलिक इनको कहते हैं, और ये पाया जाता है एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस में। एंड इनमें जो टॉक्सिसिटी होती है एंड वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। एंड ये डिफ्यूजन थ्रू गिल सर्फेस और बॉडी सर्फेस एज अमोनियम आयन्स होता है। यूरिया है नेक्स्ट इसके बाद में, इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को। एंड ये पाया जाता है मरीन फिशेज में, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स में। एंड इसमें जो वाटर के लिए रिक्वायरमेंट और इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो लेसर होता है कंपेयर टू अमोनिया, वेरी वेरी लेसर कंपेयर टू अमोनिया इनफैक्ट। एंड इसमें किडनीज होती हैं दैट बेसिकली फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड। देन आफ्टर आता है यूरिक एसिड, तो इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है एंड ये पाया जाता है लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। एंड ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं और इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी लीस्ट होती है। एंड इसमें जो है ये पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में होते हैं। अमोनिया कन्वर्ट्स वाटर इनटू यूरिया इन लिवर एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिया यूरिक एसिड इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट इज अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। एंड किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पे, किसमें किस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किस फाइलम में कैसे पाए जाते हैं ये देखते हैं। सो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है एंड वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल जिसे कहते हैं, ये पाया जाता है प्लेटी हेलमेंथीज में यानी प्लेनेरिया में भी एंड रोटिफर्स में एंड सम एनालिड्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में यानी कि एम्फीऑक्सस में। इसके बाद आता है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया पाया जाता है एनेलिडा यानी अर्थवॉर्म्स में, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में पाई जाती है जैसे कॉकरोचेस एंड एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड्स आपके क्रस्टेशियंस में पाई जाती हैं, दैट इज प्रॉन। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ये उसकी डेफिनेशन भी हो गई। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको ऊपर की तरफ रेनल वेन दिख रही है, देन आफ्टर किडनी दिखती है एंड आपको वहीं से यूरेटर दिखाई दे रहा है एंड देन आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर एंड सबसे नीचे आपको यूरेथ्रा दिखाई देता है। एंड वहीं आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इन्फीरियर वेना कावा एंड आप इधर साइड में उसके अपोजिट देखेंगे तो रीनल आर्टरी एंड डॉर्सल एओर्टा आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या क्या होता है हमारे पास में ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अ पेयर बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन किडनी एंड लेंथ होती है इनकी 10-12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5-7 सेंटीमीटर, इनकी थिकनेस होती है 2-3 सेंटीमीटर, वेट होता है 120-170 ग्राम एंड बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्रा पे प्लेस्ड होती हैं एंड क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यूरेटर एक पेयर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स
एंड स्टोर यूरिन टिल वॉलेंट्री सिग्नल्स फ्रॉम सी एन एस कैरीज आउट इट्स रिलीज. एंड यूरेथ्रा जो है दैट इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर एंड मेंट फॉर रिलीज ऑफ यूरिन. इसके बाद आता है मिक्चुरेशन. सो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन एंड इसकी मैकेनिज्म जो होती है इसमें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है. यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोर करता है यूरिन को ये एक्टिवेट करता है. स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल्स पास आउट करते हैं एंड सी एन एस में पहुँचता है दैट इज़ वॉलेंट्री सिग्नल एंड सेंड मोटर मैसेजेस एंड यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलैक्स एंड रिलीज द यूरिन. अब इसके बाद आता है किडनी. तो किडनी का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है. आउटर साइड कैप्सूल होता है, उसके बाद नीचे कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला होता है. कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जिसमें कॉर्टेक्स आउटर जोन होता है एंड मेड्यूला इनर जोन होता है. इसके बाद आपको नीचे हाइलम देखने को मिल रहा है. हाइलम बेसिकली नॉच टुवर्ड्स कॉनकेव सर्फेस एंड यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स यहाँ से एंटर होती हैं. एंड देन आफ्टर आपका कॉलम्स ऑफ बर्टिनी और रिनल कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं अंदर की तरफ. दैट इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड्स. एंड आपको बीच में दिखता है रिनल पेल्विस, फनल शेप्ड स्पेस होती है विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस एंड मेड्यूलरी पिरामिड्स आर कॉनिकल मासेस दैट प्रोजेक्ट इनटू कैलिसेस. अब आ जाते हैं नेफ्रॉन. इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, बुक में डायग्राम खोल लीजिए. सो ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की एंड नियरली 1 मिलियन पर किडनी प्रेजेंट होती है. ईच नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. तो इसमें आपको एक आने वाली जो है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल एंड देन आपको दूसरी साइड आपको दिखेगी वही एफरेंट एट्रियोल आर्टेरियोल एंड देन आफ्टर आप देखते हैं बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर आपको दिखाई देगा ग्लोमेरुलस एंड इसको कंबाइंडली मेलपिगन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल भी कहा जाता है. देन आफ्टर आप जब उसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले दिखाई देगा एंड फिर उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाता हुआ वही टर्न होगा तो दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और उसी के पैरेलल आपको दिखाई देगी उसी से जुड़ी हुई वासा रेक्टा जो उसी से लिपटी हुई होती हैं. हेनले लूप जो होता है ये हेयर पिन शेप्ड होता है. इसे DCT और ACT दोनों ही हमारे आते हैं, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले ये आ रहा है. PCT आपको इधर आपको दिखाई देगा भी, DCT भी दिखाई देगा. एंड देन आफ्टर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज DCT एंड ऊपर उसके बाद में स्टार्टिंग में जब आपका बोमन कैप्सूल नीचे आ रहा था वहाँ पर आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था दैट इज द PCT एंड वहाँ पे ही ऊपर आपको दिखाई देंगे पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज एंड देन आफ्टर जो सबसे साइड में आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट. अब आगे बढ़ते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखते हैं. ग्लोमेरुलस जो है वो इज अ टफ्ट ऑफ कैपलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी एंड मेलपिगिन कॉप्सल दैट इज PCT DCT एंड लोकेटेड इन कॉर्टेक्स. लूप ऑफ हेनले जो होता है डिप्स इनटू मेड्यूला एंड मैनी DCTs ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट एंड मैनी ऑफ विच कन्वर्ज इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलिसस एंड एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म्स पेरिट्यूबुलर कैपलरीज अराउंड रेनल ट्यूब्यूल. वासा रेक्टा ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपलरीज पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले एंड यू शेप्ड होता है. अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं. तो इसमें कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी दो टाइप है हमारे पास में. कॉर्टिकल का नंबर मोर होता है, जक्स्टा का नंबर लेस होता है. हेनले लूप कॉर्टिकल में बहुत शॉर्ट होता है एंड जक्स्टा में वेरी लॉन्ग होता है. एंड कॉर्टिकल में एक्सटेंशन इंटू मेड्यूला वेरी लिटिल होता है एंड जक्स्टा में डीप होता है. वासा रेक्टा एबसेंट होता है एंड या फिर रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल में एंड जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी में ये प्रेजेंट होता है. सो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस यानी JGA सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट. नेफ्रॉन्स आर डिप्ड इन इंटरस्टिशियल फ्लूड हैविंग स्पेसिफिक ऑस्मोलैरिटी. कॉर्टेक्स 300 मिलीऑस्मो पर लीटर, मेड्यूला अप टू 1200 मिलीऑस्मो पर लीटर दैट इज ग्रेडियंट. अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम. नेक्स्ट आता है हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो मेन प्रोसेस है एंड आपकी वहाँ पर ग्लो में सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट इज़ 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे. सेकंड आता है स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन दैट इज़ नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट गेट रीअब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स बाई एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस दोनों के थ्रू. तो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है ग्लूकोज, सोडियम आयन एंड अमाइनो एसिड्स. पैसिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट H2O, राइट. इसके बाद में होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया सेक्रेटेड इन टू फिल्ट्रेट एंड मेंटेन्स आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस.
यूरिन जो है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से होता है। एंड देन आफ्टर आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है दैट इज 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट और 1100 to 1200 ml ब्लड पर मिनट इज फिल्टर्ड बाय किडनीज। वहाँ से आता है रीनल आर्टरी में, फिर आर्टरियोल्स में, फिर इंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन आफ्टर एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, देन आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो आपके इंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। एंड बोमेंस कैप्सूल हैव पोडोसाइट्स अरेंज्ड इन इंट्रीकेट मैनर सो एज टू लीव सम स्पेसेस कॉल्ड स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट। सो फिल्ट्रेशन इज ड्यू टू द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन पर मिनट और 125 ml पर मिनट। किडनी हैज एन एबिलिटी टू रेगुलेट GFR। अब आता है आपका फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे मैं पहले उसे डायग्राम आपको बताती हूँ जिसमें PCT, हेनले लूप एंड DCT कहाँ पे कौन सा एक्सचेंज और रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो सेक्रीशन भी देखेंगे एंड रीअब्सॉर्प्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले PCT में देखते हैं, तो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है HCO3 आयन का, NaCl का, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम एंड H2O। और यहाँ पर सेक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड NH3 का। एंड यहाँ पर 300 mOs पर लीटर के हिसाब से होता है। एंड इसके बाद आता है आपका हेनले लूप। हेनले लूप में डिसेंडिंग में आपका रीअब्सॉर्प्शन जो है मिली वो H2O का हो रहा है एंड आपके असेंडिंग में है NaCl का एंड इसमें सेक्रीशन आ रहा है यूरिया का एंड जो फर्दर आपका आ रहा होता है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। इसके बाद आता है DCT में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है NaCl H2O का एंड HCO3 नेगेटिव का आपका रीअब्सॉर्प्शन है एंड सेक्रीशन हो रहा होता है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का। एंड अगेन आपका पोटेशियम हाइड्रोजन का कलेक्टिंग डक्ट में सेक्रीशन हो रहा होता है एंड H2O का रीअब्सॉर्प्शन होता है। सो 120 mOs पर लीटर। सो यहाँ पर आपकी जो मेनली परमिएबिलिटी है और इम्परमिएबिलिटी है बेसिकली वो वाटर के लिए, आपके जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है एंड फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सनट्रेटेड होता है एंड कॉन्सनट्रेटिंग लिम्फ होता है। एंड असेंडिंग लिम्फ जो है वो सॉल्ट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है एंड यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो डायल्यूटेड होता है यानी डायल्यूटिंग यानी कि मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन लिम्फ होता है। PCT जो है वो लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से होती है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड दैट इज मेजर साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रीशन होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज डिफरेंट, लिम्ब्स ऑफ फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज काउंटर करेंट। सो यहाँ इन्वॉल्व क्या क्या है, लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा वी आर एंड दोनों मिला के। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ HL, हेनले लूप को HL से रिप्रेजेंट करेंगे एंड VR से वासा रेक्टा। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ HL एंड VR एंड काउंटर करेंट इन देम इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम 300 mOs पर लीटर, इन कॉर्टेक्स टू 1200 mOs पर लीटर। एंड इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड इज रिटर्न टू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ VR। यूरिया विच एंटर्स इन थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ HL इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द मैकेनिज्म मेंटेन इंटरस्टिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कॉन्सेंट्रेटिंग फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन। और यहाँ पर आपका कॉर्टेक्स रीजन में जो है वो 300 है एंड देन आफ्टर आपका जब नीचे मेड्यूला में है उसमें पहले 600, देन 900, देन आफ्टर 1200। एंड HL प्राइमरली हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन किडनी इंटरस्टीशियम एंड मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो यहाँ पे हाइपोथैलेमस सबसे पहले देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस लो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक बैलेंस, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट करता है ऑस्मोरिसेप्टर्स को ऑफ हाइपोथैलेमस टू रिलीज ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये वर्क करते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स में करने के लिए एंड इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड प्रिवेंट डायूरेसिस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड GFR इंक्रीज हो जाता है एंड जिससे इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम स्विच ऑफ कर देता है ऑस्मोरिसेप्टर्स को, सप्रेस कर देता है ADH एंड वैसोप्रेसिन इनके सेक्रेशन को। फिर आपका JGA एंड हर्ट में हम देखते हैं क्या होता है। तो JGA में लो GFR, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर
एंड ये एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को टू रिलीज रेनिन, एंड जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को हेल्प करता है एंजियोटेंसिन वन में, देन फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में, जो वर्क करता है कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल में करने के लिए, एंड एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन दैट कॉजेज री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज, GFR इंक्रीज, एंड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है। हार्ट जो है वो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट एंड रिलीज ऑफ ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो वर्क करते हैं वैसोडाइलेशन के लिए, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज, GFR डिक्रीज करते हैं। ANF मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। सो कलर होता है लाइट येलो, pH होता है 6, ऑर्डर होती है डिपेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स वॉट एवर काइंड ऑफ ऑर्डर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड वॉट इज दैट काइंड ऑफ इनटेक दैट डिपेंड्स बेसिकली। सो ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कॉन्सेंट्रेटेड दैन इनिशियल फिल्ट्रेट एंड यूरिया 25 to 30 gram पर डे। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन जो है वो ग्लूकोज अगर है तो कंडीशन आपकी ग्लूकोज यूरिया होगी एंड इंडिकेट करती है डायबिटीज मेलिटस को। अगर कीटोन बॉडीज हैं तो कीटोन यूरिया है और ये भी डायबिटीज मेलिटस को इंडिकेट करती है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। अब देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर में है हमारे पास क्या है और उनका सिम्टम और ट्रीटमेंट क्या है देखते हैं वो। सो सबसे पहले है रेनल कैलकुली दैट इज अ स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स एंड एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सलेट्स। देन आफ्टर आती है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी होता है एंड रेनल किडनी फेल्योर मेनली जो है दैट इज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड दैट इज यूरिमिया एंड हाईली हार्मफुल मे लीड टू किडनी फेल्योर। इसका ट्रीटमेंट होता है हीमोडायलिसिस दैट इज द प्रोसेस टू रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड ये आपने 10th class में भी पढ़ा होगा। मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम आर्टरी मिक्स विद हेपेरिन दैट इज एंटीकॉगुलेंट एंड पम्प्ड थ्रू डायलिसिंग यूनिट एंड देन आफ्टर आर्टिफिशियल किडनी दैट इज पोरस सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाई डायलाइजिंग फ्लूइड एंड देन आफ्टर फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली मूव आउट देन आफ्टर क्लियर ब्लड हो जाता है मिक्स विद एंटीकॉगुलेंट एंड पम्प्ड बैक टू बॉडी थ्रू द वेन। एंड इसका एक और सोल्यूशन है दैट इज अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रिनल फेल्योर फंक्शनल किडनी इज टेकन फ्रॉम डोनर टू मिनिमाइज रिजेक्शन। क्लोज रिलेटिव्स आर प्रिफर्ड एज डोनर। मॉडर्न क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। सो कॉम्पोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूड इज सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूज करते हैं वहां पर। इसके बाद आता है आपका रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। तो लंग्स का क्या रोल होता है ये रिमूव करता है क्योंकि एक्सक्रीशन इज नॉट ओनली रिमूवल ऑफ यूरिया और भी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो लंग्स से है हमारा CO2 एंड वाटर रिमूव करता है एंड बेसिक वर्क है इसका रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 milliliter पर मिनट एंड रिमूव सिग्निफिकेंटली क्वान्टिटी ऑफ वाटर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये रिमूव करता है बिलीरुबिन विटामिंस डिलीवर्ड इन ड्रग्स कोलेस्ट्रॉल डीग्रेडेड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स एंड मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। स्किन से हमारे स्वेट ग्लैंड से स्वेट कंटेन करता है जो ये चीज़ें रिमूव करेगा NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड एंड दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस। देन आफ्टर आती हैं सेबेसियस ग्लैंड दैट मीन्स ये सीबम जो इससे एक्सक्रीट आउट होता है वो कंटेन करता है स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस एंड सीबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। देन आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड इनसे कोई एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है सो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट वॉज एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा ओनली एंड कोई ऐसा खास रिमूव नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड अपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये इंटरेक्टिव वे में ज़्यादा अच्छा लगा समझने में कंपेयर टू द जस्ट रीडिंग लाइक एन ऑडियो बुक। सो शेयर योर व्यूज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर।